लागुनि शव व्यवच्छेद गृह दृष्टि आकर्षण सत्वे भी निजुक्ति होइनांती डाक्टर पुनरुद्धार पर भी व्यवच्छेद गृह से झुलुचि ताला। धामनगर बड़पुल छक निकट चिलपदी रास्तारे प्रतिष्ठा होइतिला शव व्यवच्छेद गृह। एक विराट एक कैंपस भितर निर्मित कोठार चारिपटे बबुरी गछ और बुदा जंगल सृष्टि होइ पड़िथिला। एने अर्गस न्यूज रे खबर बाजिला परे नजर पड़ा स्थानीय प्रशासन सह जिला चिकित्सा अधिकारी शव व्यवच्छेद गृह सह कैंपस को सफा करा पुनरुद्धार कर देखा मिली कि आज पर्यंत तो निजुक्ति पारिना शव व्यवच्छेद डाक्टर ऊर्ध ग्राम पंचायत प्रत्येक क्षेत्र में रोगी मैंने कहतु ये अनचुराल डेथ कहतु नेचुराल डेथ कहतु भारत सरकार कहतु ओडिशा सरकार कहतु उच्च लक्ष्य नहीं आभिमुख्य नहीं जो शव व्यवच्छेद गृह कराइला बड़ा दुख परिताप कथा पांच वर्ष ऊर्ध हो गला ये गृह आज भूतकुठी परिणत है लोकसेवार आज पर्यटन आसला ना। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आम जो राज्य सरकार अच्छा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी जो विभाग अच्छा विशेष करके 5G स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नियोजित होती समस्ते समस्त को जना स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सरकार का सतीत्व केते ठीक अच्छी दुई ब्लक जिते जनसाधारण अच्छा से बहुत खर्चांत होती भद्रक फद्रक नहीं कि ये माने कि जनसेवाई बहुत मंगलकारी यहाँ सरकार जदि यथाशीघ्र पदक्षेप निंते आम बहुत खुशी हूँ। धामनगर पुलिस गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र और स्थानीय जनसाधारण निर्मित यह शव व्यवच्छेद गृह से आवश्यक उपकरण ना बड़ कथा हेउची 6 वर्ष पूरी शव व्यवच्छेद गृह उद्घाटन को किंतु डाक्टर समेत भिसेरो लैबोरेटरी एक्सरे चैंबर हिस्टोपैथोलॉजी लैबोरेटरी उपकरण रखा लगी स्टोर रूम बर्ज्यवस्तु नष्ट लगी इनसिनेरेटर भली उपकरण एठारे नाही। आत्महत्या हत्या कि प्राकृतिक विपर्यय मृत व्यक्ति शव व्यवच्छेद लक्ष्य प्रतिष्ठा ए शव व्यवच्छेद गृह आज भी उद्देश्य साधन करी। सर्वप्रथमे मु अर्गस न्यूज को धन्यवाद देवी कि तांकर जो खबर प्रसारण पर जिला शिक्षा जिला स्वास्थ्य विभाग को अगोचर है जहाँफल से पुनरुद्धार करतमान सब व्यवस्था कराई कि डॉक्टर निजुक्ति हो पारिना तो पुणी यही प्रसारण मध्यम आम रिक्वेस्ट करुच्छू कि यथाशीघ्र ये जदि गोटे डॉक्टर को निजुक्ति दि जाए तो धामनगरवासी आ भंडारीपोखरीवासी बहुत उपकृत हे। एने भद्रक जिला चिकित्सा अधिकारी प्रतिक्रिया मिल पारि ना तेज देखा बाकी रहा केबे शव व्यवच्छेद डाक्टर निजुक्ति कार्यक्षम करा। भद्रक धामनगर विश्वजित पलाई रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।